हाल ही में हुई फिल्म स्त्री की सक्सेस पार्टी, जहां पर श्रद्धा कपूर नजर आई, लेकिन फिल्म के जो मेन लीड एक्टर हैं राजकुमार राव यहां से गायब रहे। वेल, श्रद्धा ने बताया कि आज वो राजकुमार राव को सक्सेस पार्टी में मिस कर रही हैं। इसके अलावा श्रद्धा ने फिल्म से जुड़ी कई सारी बातें शेयर की, जहां उन्होंने बात की लोग इस फिल्म का सेकंड पार्ट का भी वेट कर रहे हैं। क्या कहा श्रद्धा ने, आइए सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव यू सीन द फिल्म? 100 करोड़ क्या मायने रखते हैं आपके लिए और साथी लोगों की प्रशंसा? आई थिंक कि डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपकी फिल्म को इतना प्यार मिलता है, एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम राइट नाउ। वी आर मिसिंग राज ऑफ कोर्स, मिसिंग राज ऑफ कोर्स एंड डी के। ही हैज जस्ट लैंडेड, राजकुमार, ही इज कम, तो राज हैज कम एंड डी के इज ऑल्सो नॉट हियर, सो वी मिस देम। एंड थैंक यू ऑल। आई थिंक दैट द बिगेस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबने सपोर्ट किया और आप सबने जेन्युइनली फिल्म को एंजॉय किया, सो आई थिंक कि बहुत अच्छी फीलिंग है। अमर, आपको कैसा लग रहा है, आप बोलो। हमें भी अच्छा लग रहा है। जो इन्होंने बोला वही हमारे सबके शब्द एक ही हैं। वैलिडेशन होगा आपको कि जो आपने सोच रखी इस फिल्म के साथ में वो पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस में भी अच्छी कमाई हुई? आई थिंक ये हमारी सबकी सोच थी। हमें हमें लगता था कि हमने एक पिक्चर बनाई है जैसे हमें बनानी थी पेपर पे, जैसे राजू डीके ने लिखी थी वैसे ही अमर ने उसको बनाया। फिर हमारा जॉब था टू पुट इट आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन मुझे व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज दैट द कंटेंट हैज़ वन। ये साल बिलोंग्स टू कंटेंट, एंड आई थिंक आप सब ने और ऑडियंस ने वो सपोर्ट किया और वैलिडेट किया, तो हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि वैसी कहानियों पर रिस्क लेना, वैसी कहानियों पर एक्चुअली रिस्क नहीं है, तो अभी उल्टा और मज़ा आएगा नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में। आप अच्छा बोले, कैसा लग रहा है आपको कि आप इतने सेक्सी और पॉपुलर हो गए और आपको इतना प्यार मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपकी पहली फीचर फिल्म है? प्यार तो मुझे था ही, मतलब हमेशा से सबका प्यार था और उतनी मुझे सपोर्ट किया प्रोड्यूसर्स ने, इनकी लिखाई बहुत अच्छी थी जो मुझे बनाने का मौका मिला। हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और बस घुस गए थे पिक्चर बनाने में, अच्छी पिक्चर बनानी थी वो हमारा मोटिव था, बनाया, उसके बाद सब कुछ इनके हाथ में था कैसे। Honestly, मैं ये कहना चाहूँगी कि highs and lows are a part of films. I think the main thing, I think सबसे अच्छी जो बात है specifically स्त्री के साथ जो जुड़ी हुई बात ये है कि जैसा डीनो ने कहा कि a content driven film has done so well, and for me to be a part of something like that, for them to have that faith that I could be in this film, that's the biggest thing for me. Feels fantastic. I think it feels, मतलब उसका मतलब शायद यही होता है कि उतने सारे लोग आपकी फिल्म देखने गए तो obviously अच्छा लगता है, so I'm very very happy that she has got all that love. I thought that exactly the way the audience reacted to it when I heard the narration, first and foremost I was laughing so much and I felt that there's no better way to put out a message than through an entertaining way, a well written way, and that's exactly what Raj and DK did. And just as an audience when I heard the film, I was in splits and I was like, this is going to be a really special message to give out in a fun and scary way. एक्चुअली जैसे ये पिक्चर लिखी गई थी, इट वॉज सेट अप टू बी अ फ्रेंचाइज, इसलिए जो लास्ट दो शॉट्स हैं वो आपको काइंड ऑफ मेक यू थिंक क्या है। सो इनफैक्ट आज हमारी चैट पे बात हो रही थी, तो इनको बोलना चाहिए आपको क्या लगता है, आप कब खत्म करेंगे? आई डिडंट नो दैट देयर वाज डिमांड फॉर इट सो सून, बिकॉज वी थॉट वी जस्ट वेट एंड सी हाउ इट गोज, बट फ्रॉम फ्राइडे इटसेल्फ एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर पार्ट 2, सो आई एम जस्ट, इट्स पार्ट 2 ऑन योर फेस राइट, सो वी आर ट्राइंग टू, we'll get to it. It's because it's one of the most talked about questions, I guess. So many. Who, what is Shraddha doing? Oh my god.
मैं अभी बत्ती गोल प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग मी कि क्या आप स्त्री थी या नहीं थी, पर चोटी का क्या हुआ? तो आई थिंक दैट इज you're keeping everyone in that mystery. Yeah, so Shraddha ne choti kyun lagayi, aapko second bar ka ticket khareedna padega. Three two kab aa rahi hai, that's everyone's asking me that. Yeah, पता लग गया आपको? आपको लग गया? आपका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है. मुझे लगता है पंकज त्रिपाठी स्त्री है ऐसा, मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग है. बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड, लेकिन टुनाइट इज ऑल अबाउट स्त्री एंड ऑल अबाउट being very happy and being very very proud to be a part of this film and thoda relief bhi mehsoos ho raha hai, kafi time ke baad ye feeling aayi hai, to I'm feeling nice. Shraddha, do you think this year is like all women, you know, because so many women oriented films have done with Gandhi and Vigandhi wedding and now Stree also, any word on that? I think I suppose I don't know if I have an I don't know if it's pertaining to women, but I suppose that I think the good content has actually been the winner here, and we happen to be a part of it, I suppose. Yeah, आई थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक सबसे सिंपल बात ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, और ये रीज़न इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइम के बाद ये फीलिंग महसूस हो रही, तो अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, रोज बोलते हैं, इटर्नल सपोर्टर्स. आप बत्ती को देखिए, और उसके सामने थिएटर में स्त्री फिर भी होगी तो वापस जाके देख लीजिए. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल सो मच, थैंक यू ऑल. चल यार, चल यार, चल यार. ओ ओके, अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें.